नांदेडमध्ये उम्मीद हेल्पलाईन सेंटरची स्थापना करण्यात आली असून गोरगरीब गरजू नागरिकांसाठी मोफत सुविधाची पुरवल्या जाणार आहे। शासनाच्या विविध उपक्रमांची तसेच शासनाच्या विविध योजनांची मोफत माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने उम्मीद हेल्पलाईन सेंटर सुरू करण्यात आले आहे। वैद्यकीय सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, कायद्याविषयक माहिती, बेरोजगारांसाठी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी उमेद हेल्पलाईनच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध समस्या सोडवण्यासाठी देगलूर नाका परिसरातील कुदवे नगर भागात कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे। यावेळी उद्घाटन मुक्ती खलीलुरहमान कासमी यांच्या हस्ते करण्यात आले। मोहम्मद अजरुद्दीन यांनी या उमेद हेल्पलाईन सेंटरची स्थापना केली असून नागरिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने याचा लाभ घेण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं। हम इस सिलसिले में अभी बताया ना कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन काम इंसानी खिदमत है, ये इबादत का भी इसको मकाम मर्तबा हासिल है। इस्लाम में इसी वजह से कुरान करीम जो उतारा वो उसके लिए कहा गया कि वो शिफा है, यानी तमाम बीमारियों का उसमें इलाज है। इस वजह से हमारे पास इस सिलसिले में खिदमत करना और मरीजों की रहनुमाई करना, उनके साथ हमदर्दी करना, ये बहुत बड़ी इबादत है। और इस सिलसिले में जो लोग काम करेंगे, रहबरी करेंगे, इंशाल्लाह उनको बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल होगा। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है आज के ज़माने में, जो आम तौर से आवाम इसमें परेशान रहती है मेडिकल के लाइन में। ख़ास तौर से ज़िंदगी का सबसे अहम मसला जो है मेडिकल है, सेहत है, ये सबसे अहम मसला है ज़िंदगी का। उसके बाद सारी चीज़ें पेश आती हैं। और मेडिकल का मामला जो है, हर अमीर गरीब, छोटा बड़ा, किसी भी मज़हब का हो, हर शख्स के लिए ज़रूरी है। इस सिलसिले में रहबरी रहनुमाई करना एक बहुत बड़ा काम है। और जो काम शुरू किया गया इस सेंटर में, हेल्थ सेंटर्स के ज़रिए से, ये बहुत मुबारक है और बहुत ही अहम है और वक्त की बड़ी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़रूर यकीनन मदद होगी और आजकल के ज़माने में इसकी ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखा है कि मैंने और मेरी टीम ने, मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं, हम सब लोगों ने मिलकर उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर, इस एक छोटी सी तंजीम का हमने एक इफ्तिताह अमल में लाया है और उसका आगाज़ किया है। हमारा दरअसल मकसद ये है कि आज हमारी जो कम्युनिटी है ये मेडिकल लाइन से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अगर से जो इंसान, किसी को अगर से नॉलेज नहीं होता है मेडिकल लाइन से, तो जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को अपने घर के मेंबर को लेकर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस हालत में उनकी जो कैफियत रहती है वो बहुत परेशान कुन रहती है। तो उस टाइम पे एक आम इंसान को समझ नहीं आता कि उसको करना क्या चाहिए और ऐसी सिचुएशन में फैसला क्या लेना चाहिए, डिसीजन क्या लेना चाहिए। और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमात है जिसके ज़रिए पेशेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट हो सकता है। ये चीज़ें मालूम ना होने की वजह से पेशेंट अपने घर बार बेच के, अपने जेवरात बेच के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए पैसा डालता है, जबकि वो बीमारी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट में हो सकता था, लेकिन मालूम ना होने की वजह से उसको इन तमाम चीज़ों का नुकसान फेस करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हमारा जो उम्मीद हेल्पलाइन सेंटर है, ये लोगों को एक रहनुमाई करेगा कि गवर्नमेंट की स्कीमात, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, उसके अलावा एक ट्रस्टी, कई ट्रस्टी हॉस्पिटल के जरिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज होते हैं और स्टेट लेवल की भी कुछ स्कीमात देती है जिसके अंदर पेशेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज हो सकता है। उन तमाम स्कीमात के जरिए पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करवाने के लिए हम गाइडेंस करेंगे, इंशाल्लाह उनको रहनुमाई करेंगे। और उसके अलावा हमारा जो मकसद है वो मेडिकल लाइन के अलावा दूसरे भी बहुत सारे सोशल काम है, जैसा कि संजय गांधी निराधार योजना है, उसके तहत भी कई लोगों को, बेवा औरतों को और अपंग बच्चों को पेंशन मिलता है। हमारे पास लोगों को मालूम ना होने की वजह से और फाइलों के आगे ना बढ़ने की वजह से लोगों को ये फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते। और उसके अलावा अपंग बच्चों के अलावा यतीम बच्चों के लिए, ऑर्फनेज बच्चों के लिए भी बहुत सारी स्कीमात है जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, लेकिन मालूम ना होने की वजह से तमाम इस तरीके के लोग इन स्कीमात से महरूम है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन तमाम स्कीमात का लोगों तक रहनुमाई करें और उनको गाइडेंस करें और उनकी हेल्प करके इन स्कीमात का उन तक फ़ायदा पहुँचाए, ये हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। अवामुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि वो ये जो हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया गया है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमारे मोहम्मद अजरुद्दीन साहब की इस कोशिश को कामयाब बनाएं, मैं इतना कहूँगा। और साथ ही साथ इस टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह का खिदमत खल्क का जज्बा लेकर वो यहाँ पर उतरे हैं। और अल्लाह ताला से मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी तरक्की अता फरमाए और इस काम के अंदर उनके इखलास अता फरमाए और लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, फैजियाब हो लोग,
गीता कहकर मैं आपकी बात खत्म करूँगा।